अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका समाज किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है एग रोल। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर मैदा की ये लोइयाँ तैयार कर ली हैं, और मैदा का आटा हमने बिल्कुल नॉर्मल गूंदा है, जैसा हम गेहूं का आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसा ही गूंदा है। तो यहाँ पर ये लोइयाँ तैयार हैं, तो सबसे पहले हम इसका पराठा तैयार करेंगे। चलिए, तो इसे हमने बेल लिया है, अब इसे हम सेक लेंगे। तो पराठा सेकने के लिए हमने यहाँ पर एक तवा रख दिया है, अब इस पर हम ये पराठा डालेंगे। पराठा जब थोड़ा सिक जाए तो इसकी हम साइड को चेंज करेंगे। ये देखिए, ऑयल हम यहाँ पर थोड़ा सा कम लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे। तो बस इस तरह हम ऑयल लगा देंगे चारों तरफ, और अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये देखिए, दूसरी साइड भी पराठा सिकने लगा है, और दूसरी साइड भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरह और फैला देंगे। तो बस ये पराठा हमने सेक लिया है, और पराठे को हमने दोनों साइड से अच्छी तरह सेक लिया है। ये देखिए, अब इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह आप पहले पराठे को सेक लें। अब इसी तवे पर हम अंडे को फ्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक अंडा ले लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी हम डालेंगे काली मिर्चें, और इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो हम यहाँ पर एक अंडे से बना रहे हैं, आप चाहें तो एग रोल को दो अंडे से भी बना सकते हैं। तो ये अंडा अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब तवे पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल को चारों तरफ इस तरह फैला लेंगे। तो अब इस पर हम डाल देंगे ये अंडा, और अंडे को डालते साथ ही हम ये पराठा डाल देंगे, और बस हल्के हाथों से इस तरह इसे दबा देंगे ताकि अंडा पराठे पर अच्छे से चिपक जाए। और जब आप अंडे को तवे पर डालें तो फ्लेम को आप यहाँ पर थोड़ा सा स्लो रखें। तो ये देखिए, अंडा अच्छी तरह सिक गया है। तो बस इस तरह हम अंडा और पराठा पहले बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए, अब हम करेंगे इसकी फिलिंग। रोल की फिलिंग करने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें हम सब्जियों को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो बड़े साइज की प्याज ले ली है और बारीक काट लिया है, एक कप पत्ता गोभी, एक कप टमाटर, और यहाँ पर हमने ये खीरा ले लिया है, तो इसे भी इस तरह पीसों में काट लिया है। ये डाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें काली मिर्चों का पाउडर, और एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लें, अगर आप ज्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो फिर मिर्च को आप यहाँ पर कम कर सकते हैं। और एक टीस्पून डालेंगे इसमें हम नमक, और बस ये सारी चीजों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पर हम एक चीज और मिक्स करेंगे, अगर आपके पास में बचा हुआ कीमा हो तो फिर आप वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो हमारे पास रात का बचा हुआ कीमा है, तो हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये एक कटोरी के करीब कीमा है, ये डाल देंगे। आप यहाँ पर बचा हुआ चिकन हो, चिकन के पीस या मटन के पीस, जो भी बचा हुआ हो आप वो डाल सकते हैं। चलिए, तो अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। चलिए, तो अब हम लेंगे ये अंडा और पराठा, और इस पर डालेंगे हम सॉस। तो ये टोमेटो सॉस हमने डाल दिया है, अब इसे हम चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मेयोनीज, और इसे भी अच्छे से फैला लेंगे। और इसमें हम ये डालेंगे सारी सब्जियां जो मिक्स की हैं हमने कीमे में, और इसे हम कर लेंगे इस तरह रोल। तो बहुत ही टेस्टी ये रोल बना है, आप इसे जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।